अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में भारतीय उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ठाट बाट में राजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि लाखों लोग भारत में बेघर हैं। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति ओबामा ने हाल में आई अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकात और अनौपचारिक बातचीत का जिक्र करते हुए भारतीय उद्योगपतियों पर सवाल उठाए हैं। किताब में लिखा है कि सहयोगियों के बिना हुई बातचीत के दौरान सिंह ने उनसे कहा कि अनिश्चितता भरे समय में राष्ट्रपति महोदय धार्मिक और जातीय एकजुटता का आह्वान बहकाने वाला हो सकता है और भारत में या कहीं भी राजनेताओं के लिए इसका दोहन करना बहुत कठिन नहीं है। ओबामा ने लिखा है कि मैंने सर हिलाते हुए प्राग यात्रा के दौरान वक्लाव हवेल के साथ बातचीत और यूरोप में असमानता के बढ़ते प्रकोप के बारे में उनकी चेतावनी याद की। यदि वैश्वीकरण और ऐतिहासिक आर्थिक संकट अपेक्षाकृत संपन्न देशों में रुझानों को बढ़ा रहे हैं और अगर अमेरिका में भी मैं इसे पार्टी में देख सकता हूं, तो भारत इससे कैसे बच सकता है। ओबामा ने लिखा कि देश भर में लाखों लोग गंदगी और गिलाजत में रह रहे हैं, अकालग्रस्त गांव और बदहाल झुग्गी बस्तियों में जीवन बसर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय उद्योग के महारथी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि इससे राजाओं और मुगलों को भी ईर्ष्या हो जाए। भारत पाकिस्तान मुद्दे से लोगों को प्रभावित करने की राजनीति पर ओबामा ने लिखा है कि पाकिस्तान के प्रति शत्रुता भाव व्यक्त करना राष्ट्र को एकजुट करने का सबसे आसान रास्ता है। ढेर सारे भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए देश ने परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित किया। उन्हें इस हकीकत की कोई परवाह नहीं कि किसी भी तरह से कोई चूक क्षेत्र का विनाश कर सकती है। अपनी इस किताब में ओबामा ने 2008 के चुनाव प्रचार अभियान से लेकर पहले कार्यकाल के अंत में एबटाबाद में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के अभियान तक की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। इस किताब के दो भाग हैं। पहला भाग मंगलवार को दुनिया भर में जारी हुआ है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।